श्री समस्त मानस मंडल के 14वें वार्षिक समारोह के अवसर पर 15 व 16 जून को गंज स्थित जनकपुरी में सामूहिक आसनों पर संगीतमय श्री रामचरितमानस पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 51 आसनों वाले संगीतमय श्रीमद रामचरितमानस पारायण महायज्ञ का आगाज 15 जून को सुबह 8 बजे से हुआ, जो कि 16 जून को शाम 6 बजे तक अनवरत जारी रहा। मंडल अध्यक्ष पंडित सुधींद्रनाथ आचार्य ने बताया कि डॉक्टर कृष्ण मोहन लवानिया ने पाठ का प्रारंभ किया। श्री झरनेश्वर सेवा समिति सहित विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा कलाकारों ने शाम 4 से 7 बजे तक इस भजन में प्रस्तुति दी। इनमें रतनलाल छापरवाल, सुभाष सोनी, बसंत कुमार भट्ट, मास्टर नरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। मंडल के तत्वावधान में आज शनिवार दिनांक 15 जून 2019 को सवेरे 8 बजे से जनकपुरी गंज में 51 आसनों पर रामायण पाठ का संगीतमय पारायण हो रहा है, जो कि रविवार कल शाम को 7 बजे तक निरंतर रूप से चलेगा। और इस पाठ में अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़ और ब्यावर के मानस मंडल भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न संगीत शैलियों में पाठ करेंगे। और इस पाठ में श्री समस्त मानस मंडल के साथ में श्री दीपचंद जी श्रिया, श्री हर्ष जी गुप्ता और श्री जनार्दन जी सिंगल का बहुत बड़ा सहयोग है। वे मिलकर के यहाँ पर दोनों दिन भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारे इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तो सावन मास में बरसात की कृपा हो, भगवान की कृपा हो बरसात पर, और जो हमारे देश में जिस तरह के ताप चल रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो सब शांत हो और संपूर्ण विश्व में सुख शांति हो, यही हमारे इस पाठ का उद्देश्य है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।